जिले के पुलिस थाना गिड़ा क्षेत्र का एक 50 वर्षीय वृद्ध गेनाराम वादी पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठा है। धरने पर काली पट्टी बांधकर और भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे गेनाराम ने सोमवार को ढोल नगाड़े बजाकर अपना सिर मुड़वाया। गेनाराम का कहना है कि उसकी पत्नी घर से सोने के जेवरात और रुपये लेकर फरार हो गई, जिसका मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जिले के पुलिस थाना गीड़ा क्षेत्र का एक 50 वर्षीय वृद्ध गेनाराम वादी पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठा है। धरने पर काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे गेनाराम ने सोमवार को ढोल नगाड़े बजाकर अपने सिर मुंडवाया। गेनाराम का कहना है कि उसकी पत्नी घर से सोने के जेवरात और रुपये लेकर फरार हो गई, जिसका मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, संभागीय आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि उसके द्वारा गीड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा वर्णित घटना अनुसार अजमानतीय धाराओं को थानाधिकारी द्वारा नहीं जोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गीड़ा थानाधिकारी और जाँच अधिकारी की आरोपियों से साठगांठ है। इसी वजह से जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बावजूद एक सप्ताह पश्चात मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय धाराएं जोड़ने और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग यहाँ पत्नी के मामलों दर्ज कराए दो आज मुंडन क्यों करायो? मुंडन करायो कार्रवाई को हुई नहीं। अच्छा, मैं आज ज्ञापन क्या ना देना आया हूँ थे? एसपी कलेक्टर ना। कितने दिन हो धरने में बैठे हो? 8-9 दिन हो रही है, बस एक ही बैठा धरने में। अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही मामला दर्ज करवाने वाले गेनाराम पुलिस की कार्यशैली से खफा नजर आए। उनका कहना था कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे गेनाराम ने सोमवार को अपना सिर मुंडवाकर और ढोल नगाड़े बजाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।